आपका क्वेश्चन है, डिटरमाइन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन। इन केस इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट। तो आपका क्या दिया है, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 8। दूसरा है 5x माइनस 10y इज इक्वल टू 10। ठीक है नाउ, तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है ऑफ लीनियर पेयर्स, है ना। तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0। और ये सेकेंड इक्वेशन है तो a1 की जगह पे वी विल राइट a2। तो हमारा आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है नाउ, तो अब हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो हमारा क्या आता है, हमारा आ जाएगा x माइनस 2y और प्लस 8 का लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है नाउ, यहां पर है 5x, तो हमारा आ गया 5x माइनस 10y और प्लस 10 राइट में है, लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है नाउ, अब हम क्यों, हमको करना क्या है, हमको रेशियोस बनाने। कैसे, इस टाइप से a1 बाई a2 ठीक है, और b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2। ठीक है, रेशियोस बनाएंगे तो इनके रेशियोस कैसे होंगे, देखो 1/5 है ना, 1/5 यहां पर क्या है, देखो माइनस 2 एंड माइनस 10, तो माइनस एंड माइनस कट गया तो ये हो गया आपका 1/5। ठीक है, थर्ड वाला देखो माइनस 8 माइनस 10 है ना, तो माइनस एंड माइनस कट गया और ये दोनों 2 से कट हो रहे हैं तो यहां पर आ गया 4, यहां पर आ गया 5 है ना। इसको आप नीचे लिख लेते हैं हम, तो देखो आपका कैसे आएगा 1/5, यहां पर भी आपका 1/5 है, यहां आपका 4/5 है ना। दैट मीन्स आपका 1/5 इज इक्वल टू 1/5 है ना, दोनों इक्वल है बट दे आर नॉट इक्वल टू 4/5, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 4/5। ठीक है, अब सेम सिंबल्स वी विल पुट हियर, तो आपका देखो इट विल कम लाइक दिस है ना। तो यहां पर है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये कौन सा कंडीशन में आएगा, इट कम्स अंडर इनकंसिस्टेंट है ना, इट कम्स अंडर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट में दैट मीन्स वो कभी भी मिक्स नहीं होंगे, दे विल नेवर मीट विथ ईच अदर। तो कौन सी लाइंस जो नेवर मीट होती हैं, वो कौन सी है, दे आर द पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइन से कितने सॉल्यूशंस होते हैं, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इट कंटेन्स नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको इस टाइप से इसको करना है।